लोकसभा चुनाव से पहले फुल मूड में नजर आई कांग्रेस पार्टी। मोदी और शाह के छूटे पसीने। कांग्रेस के 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर के बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। राजस्थान कांग्रेस भी इस चिंतन शिविर के बाद मिशन 2023 की तैयारी में ज्यादा सक्रियता से जुटी नजर आएगी। पार्टी में इसकी प्लानिंग भी बड़े स्तर पर की जा रही है। चिंतन शिविर के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि पार्टी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर फोकस करेगी। बीजेपी के मंडल और पन्ना प्रमुख को मात देने के लिए कांग्रेस भी अब सब ब्लॉक बनाने जा रही है। अभी पार्टी संविधान के मुताबिक संगठन की सबसे छोटी इकाई ब्लॉक है, लेकिन प्रदेश में इन ब्लॉक्स को छोटे छोटे कई ब्लॉक्स में विभाजित कर इनकी कार्यकारिणियां घोषित की जाएंगी। कांग्रेस संगठन के तहत अभी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, यानी अभी प्रदेश में कांग्रेस संगठन 400 ब्लॉक में विभाजित है। अब प्रत्येक ब्लॉक को 10-12 सब ब्लॉक्स में विभाजित करने की पार्टी की प्लानिंग। इस तरह प्रदेश में पार्टी के अब करीब 4000 सब ब्लॉक हो जाएंगे। छोटे स्तर पर इकाई गठित होने से पार्टी को निचले स्तर तक मैनेजमेंट में आसानी होगी। प्रदेश में करीब 52000 बूथ हैं। अभी एक ब्लॉक के क्षेत्र में औसतन 130 बूथों की जिम्मेदारी हो रही है। सब ब्लॉक बन जाने के बाद एक सब ब्लॉक के अधीन महज 12-13 बूथ होंगे। बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट समय की जरूरत है। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब यह समझ चुकी है और इसी के मद्देनजर छोटे छोटे ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही है। पहले उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद छोटे स्तर पर ब्लॉक गठित कर दिए जाएंगे। पार्टी को इससे दोहरा फायदा होगा। पहला फायदा यह कि इससे माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत होगा और दूसरा यह कि निचले स्तर तक मजबूत टीम तैयार हो पाएगी।